आपके पास जाकर मांगने की जरूरत नहीं है। जो मांगते हैं उनका केवल इतना ही सत्कार किया जाता है जो तुम्हारे घर पर कोई फकीर मांगने आता है। क्या दे दोगे उसको? एक रुपया दे दोगे? रोटी दे दोगे? फिर कहोगे जा भाई, इतनी कदर होगी? इससे ज्यादा तो नहीं होगी। वो तुम्हें बिठा, तुम उसको बिठाओगे तो नहीं, आओ बाबा बैठो रोटी खा के जाओ? नहीं करोगे। भिखारी की कदर कोई नहीं करता, इसलिए गुरु के दरबार में भिखारी मत बन कर जाओ। गुरु के दरबार में पल्ला लेकर जाओ और ऐसे बिछा दो, फिर अंदर से ही आवाज आ जाएगी कि जो मांगा, जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई देवे, वो दे देता है, उसके घर में कमी कोई नहीं है। सतगुरु के दरबार में कमी वस्तु की ना, बंदा मौज ना पावे चुक चक्री माँ। बंदा दौड़ा हुआ है, कभी देवी के जाएगा, कभी देवता के जाएगा, कभी कहीं भागेगा, कभी भी मेरा ये भी काम हो जाए, ये भी हो जाए, ये सब कुछ भी नहीं है, तुम्हारे मन की कमजोरी है। अब सुनो क्या कहते हैं, पढ़ो भाई। प्रार्थना सूरत की मन से और जवाब देना उसका, मन का। मन बोला सूरत से फिर ऐसे, विषय स्वाद मोह से जात न छोड़ा। अब कहते हैं, पहले पहली बात में तो सूरत ने उसको प्रार्थना की मन को कि तेरा मेरा जन्म जन्म से संबंध चला रहा है, अब बस कर, अब मुझे छोड़, चल चलिए गुरु के दरबार में और वहां जाकर ज्ञान ले लें, तू अपने जहां रहना, मैं अपने घर वापस चले जाऊंगे। अब उसका जवाब दे रहा है मन, पढ़ो यही लाइन ध्यान से सुनना। मन बोला सूरत से फिर ऐसे, विषय स्वाद मोह से जात न छोड़ा। कहता मैं आपकी बात सारी सुनता हूं सूरत जी, आप मालिक हैं, लेकिन मेरा बस नहीं चलता, मैं विषय विकारों को नहीं छोड़ सकता। सोचो तुम्हारा मन क्या खाने को चाहता है, क्या देखने को चाहता है, क्या पहनने को चाहता है, ये सारा मन का खेल है। और क्या है, मन ही हमें को फसाया हुआ है। वो खुद कहता है कि मैं विषय विकार नहीं छोड़ सकता। विषय विकार कर्म इंद्रियों में भी है और हमारी ज्ञान इंद्रियों में भी है, दोनों। दूसरी बात, मन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता अगर उसके पीछे सूरत की शक्ति ना हो। इसको मैं समझा देता हूं आपको कैसे। दाता दयाल जी महाराज स्कूल में भी पढ़ाया, पहाड़ी इलाका था। दाता दयाल जी महाराज ने खुद लिखा है, जिसको मैंने पढ़ा, बहुत साल पहले पढ़ा, तो रास्ते में, क्योंकि पहाड़ी इलाका था तो ऊपर से पत्थर रास्ते में गिर गया, तो बच्चे ने स्कूल जाना था तो उनसे क्रॉस नहीं हो रहा क्योंकि पत्थर रुक गया वहां, तो बच्चे जोर लगाते हैं, कभी एक लगाता है, कभी दो, कभी पांच लगाते हैं, लगा भी और जोर लगाओ भी, और लेकिन पत्थर नहीं हिलता। दाता दयाल जी महाराज वहां पहुंचे, कहते बच्चो ठहरो, जब मैं कहूं तुम सभी पत्थर को हाथ लगा लो ऐसे, जब मैं कहूं ना एक दो तीन तो सबने इकट्ठे जोर लगाना एक साथ। बच्चे बड़े प्यारे थे, उनके स्कूल के टीचर थे, उन्होंने ऐसे किया तो जैसे ही वो एक दो तीन कहा, सबने जोर लगाया, पत्थर गिर गया, नीचे गया, रास्ता बन गया। अब इससे क्या मतलब, मैंने जो समझा कि उस वक्त जो हमारी सूरत की शक्ति सारे शरीर में है, आपके सूरत की शक्ति तुम्हारे सारे शरीर में है, पांव की उंगलियों से लेकर यहां तक वही शक्ति काम कर रही है, तुम्हारी नब्ज चल रही है उसी के कारण, तुम्हारा दिल धड़क रहा है उसी के कारण, तुम्हारे अंदर का सारा कारोबार कौन कर रहा है, तुम्हारी सूरत कर रही है, तुम्हें तो पता ही नहीं है, मन को भी नहीं पता, किसी को पता बताओ। तो
और जब जो सुरत जो जब हम उसको इकट्ठा करते हैं यहां ले आते हैं तो हमारे मन की ताकत बढ़ जाती है। क्या कहा मैंने? और अगर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में विकार हैं, तुम्हारे मन में विषयों के स्वाद हैं, तो तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा। इसलिए कहा गया है कि सिमरन करने से पहले अपने मन को साफ करो, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करो, अपने विषय विकारों को छोड़ो। अगर तुम्हारे अंदर कामना है तो कामना बढ़ जाएगी, अगर तुम्हारे अंदर क्रोध है तो क्रोध बढ़ जाएगा, अगर तुम्हारे अंदर मोह है तो मोह बढ़ जाएगा, अगर तुम्हारे अंदर लोभ है तो लोभ बढ़ जाएगा। इसलिए जितने भी ये सत्संगी नाम जपते हैं ये सुखी नहीं है, क्योंकि उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मन के थाली को साफ नहीं किया था। नाम ले लिया, गुरु ने केवल ये कह दिया कि ये नहीं खाना ये नहीं पीना बस, बाकी ये नहीं कहा कि ईर्ष्या छोड़ना है, नफरत छोड़ना है, मोह को कम करना है, लगाव लपेट कम करने हैं, तब अंदर जाना बच्चों, फिर तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। तभी तो तुलसी साहब जी महाराज ने कहा दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। उसको अगर बिठाना है तो दुनिया का ख्याल छोड़ो, मगर तुम तो दुनिया बिठाई हुई है वहां, तुमने ईर्ष्या बिठाई हुई है वहां, तुमने द्वेष बिठाया हुआ वहां, तुमने दुश्मनी बिठाई हुई है वहां, तुम्हारे अंदर नफरत है, न जाने क्या क्या भरा हुआ है तुम्हारे मन में, तुम वहां कैसे पहुंच सकते हो। ये बात मन खुद कह रहा है स्वामी जी महाराज, कि मन कहता है मेरा बस नहीं चलता, आगे पढ़ो। कैसी करूं बचन कैसे मानू मैं, इंद्री बस हुआ न थोड़ा। कहता मैं ऐ सुरत प्यारी, मैं तेरा कहना कैसे मांगू, तुम्हारे वचन पर कैसे चलूं, मैं तो इंद्रियों के पास बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ हूं। क्या कहा मन ने, सोचो दाता स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं। हमारे में कोई कमी नहीं है, हमारे में कमी ये है कि हमने मन को गलत स्थानों पर बैठाया, और मन के साथ हमारी जो सुरत है वो भी निकम्मी हो गई, हमारी सुरत का भी असली रूप नहीं रहा, हम भी उसी में विलीन हो गए जिसमें हमारा मन विलीन हुआ था। मन खुद बोलता है, फिर पढ़ो यही लाइन, कैसी करूं बचन कस मानू मैं, इंद्री बस हुआ न थोड़ा। मैं इंद्रियों के बस थोड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं तो इंद्रियों के बस बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। आगे बल पौर उसमें सब ही हारा, अब इनसे मेरा चले न जोरा। मेरा बस नहीं चलता, मुझे इंद्रियां नहीं छोड़ती, मेरी आंख मुझे बुराई की ओर ले जाती है, मेरा सुनना बुरी बुरी बातों को सुनने में बड़ा आनंद लेता है, मेरी रसना खाने को बहुत पसंद करती है, तरह तरह के खाने, कभी सिमरन भजन की ओर जे इसका ध्यान नहीं जाता कि मैं नाम का जाप कर लूं, इसकी ओर नहीं जाता, मैं बहुत बेबस हूं प्यारी सुरतिया। आगे पढ़ो। मैं छोड़ूं मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, देख भोग बस चले न मोरा। कहता मैं चाहता हूं कि मैं ये काम ना करूं, मैं चाहता हूँ बुराई से ना देखूं, मैं चाहता हूँ बुरी बातें ना सुनूं, मैं चाहता हूँ ये पदार्थ जो है ना खाऊं, थोड़ा खा लूं। कहता लेकिन जब मैं देखता हूँ मैं फंस जाता हूँ। करो गल आज सब्जी बहुत स्वाद लगी बेटी, एक रोटी होर दे दे। बाबा फकीर जी महाराज ने कहा बच्चों जब रोटी स्वाद होने लगे रोटी छोड़ दो। क्या कहा मैंने, मैं अपनी बात बता देता हूँ, मेरी रोटी एक हो रही है, सिर्फ एक सुबह दोपहर को खाता नहीं,
रात भी दो दो फुलके मुझे बहू ने दे दिए। जब एक खा लिया, एक सब्जी थी, एक मटर पनीर पनीर था बना हुआ, जब एक फुलका खा लिया तो दूसरा रख लिया। अब मन कहे खा ले, स्वाद है सब्जी। मैं क्या हूं तो मैं खानी ही नहीं। रोटी रख दी, एकदम कुत्ते के लिए रख दी, जानवरों के लिए रख दी। पल पल इसका पैरा करो, खाते समय पैरा करो, देखते समय पैरा करो, बोलते समय पैरा करो और सुनते समय पैरा करो, जिंदगी बदल जाएगी। और मैं क्या कहूं, इससे परे कुछ कहने को मेरे पास है नहीं। ये बाबा फकीर की वाणी है, मेरी नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, उनका ही हीरे मोती तुम्हारी झोली में डालना चाहता हूं, बटोर लो अगर बटोर सकते हो तो। क्या कहा मैंने, आगे बोलो क्या कहते हैं। आगे पीछे बहु पछताऊं, समय पड़े पर होवत चोरा। तुम बिल्कुल देखो, कभी गलत काम कर लेते हो तो मगर पछताते जरूर होगे, गलती होगी मेरे से। सोचो कि नहीं करते, सोचते होगे। अगर तुम्हारा मन अंदर साफ है, सुर तो तुम्हारी जागी हुई है, सत्संग मिला हुआ है, तो मन कहता है कि मैं बहुत सोचता हूँ, छोड़ भी देता हूँ, और अगर मेरे से गलती हुई मैं बाद में पछताता भी हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे पार्टी में जाकर इतना नहीं खाना चाहिए था, मुझे शादी में नहीं जाना चाहिए था, अगर घर में ज्यादा पदार्थ बने तो एक से गुजारा कर लेना चाहिए था। बात समझे, पढ़ो यही लाइन दोबारा। आगे पीछे बहु पछताऊं, समय पड़े पर होवत चोरा। जब समय आंदा मैं फिर पूछ लेता कि नहीं आज का दिन खा लेने का, लू नहीं खावांगे, ठीक है। आगे कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, मैं चंचल जो दौड़त घोड़ा। कहते हैं सुरत मेरी, तू तो मुझे कहती चल गगन चलिए, ऊपर चलिए, इन इंद्रियों से ऊपर चलिए, आंखों से भी ऊपर, मन से भी ऊपर। मैं कैसे चलूं, मैं तो बहुत चंचल हूं, इतना चंचल हूं कितना, जितना घोड़ा चंचल होता है, मैं इतना चंचल हूं, मेरे बस में नहीं है। मैं चाहता हूं तेरा साथ दूं, मैं चाहता हूं मैं मन को छोड़ूं, मैं चाहता हूं इंद्रियों को छोड़ूं, मैं ज्ञान इंद्रियों को भी छोड़ना चाहता हूं, मैं कर्म इंद्रियों से भी बचना चाहता हूं, लेकिन वक्त आने पर मैं फिर भूल जाता हूं, मैं तेरे साथ उड़ान नहीं कर सकता। अब आगे क्या कहता मन सुनो। ताते तो से कहूं जतन में, चल सते गुरु पे करो निहोरा। अब क्या कहता है मन, सुरत को कहता, अब अंदर से आवाज मन की आती है कि चल एक जतन करिए, क्या करें, चल मैं तेरे साथ चलता हूं, गुरु के पास चलकर निहोरा करते हैं कि ऐ सतगुरु मैं थक गया, अब मेरे से चला नहीं जाता, आप दया करो कृपा करो। कुछ मांगने नहीं गए मन और सुरत के, हमें दुनिया दे दे, क्या लेने गए, क्या निहोरा किया कि जहां के तुम बासी हो मुझे वही ले चलो। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। शरण पढ़े मिल कर अब हम तुम, कर सते संग हो ये कुछ पोढ़ा। चल चले दोनों मिलकर बेनती करते हैं, वहां सतगुरु हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएगा। कब आया मन, जब विषयों से हुआ उदासा, तब चला। मैं उदास हो गया हूं, मैं भी उदास हो गया हूं, विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधु गुर जाके। थक गया ना मन, सब कुछ देख लिया, मेरा मन बहुत चंचल है, चल सतगुरु के चरणों में चलते हैं, वो ही हमें रास्ता बताएंगे। फिर आगे पढ़ो।
दया करे सतगुरु जब अपनी, पल पल राखे मोको मोड़ा। फिर क्या होगा, जब हम सतगुरु के पास जाएंगे तो उनकी दया से मेरे को पल पल संभाल करेंगे। क्या कहा मैंने, पल पल मन की संभाल। कब, जब मन में विकार आया गुरु की बात याद आ गई, जब मन में ख्याल आया थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूं, साथ संगत में जा तेरे भले की कहूं, याद आएगी कि नहीं? फिर तुम पेट भर के खाओगे यहां तक। क्या कहा मैंने, ये है गुरु का साथ होना। जहां तुम गलती पर चलोगे गुरु तुम्हारी बाजू पकड़ेगा 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 कि बेटा ये काम ठीक नहीं है। उस वक्त तुम गुरु की अगर बात नहीं सुनते तो तुम मनमुख बन जाओगे, तब तुम मनमुख रहोगे। अगर उस वक्त जो तुम्हारे अंदर से आवाज आई है तुम गुरुमुख बन जाओगे, तो मनमुख पार नहीं होता, गुरुमुख पार होता है जो हर समय गुरु के मुखारविंद से निकली हुई बात को पकड़ता है। आगे पढ़ो। मैं अपने बल चढ़ू न कभी, जब लगे मिले न गुरु बंदी छोड़ा। कहते मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता मेरी प्यारी सूरत, जब तक बंदी छोड़ गुरु न मिल जाए। तो बंदी छोड़ गुरु कौन होता है, जिसको तुम्हारी किसी चीज से कोई लगाव नहीं है। वो तुम्हारे लिए ये नहीं बैठा के आते जाओ पैसे देखते जाओ, आते जाओ पैसे देते जाओ, डेरा बनाते जाओ, ये करते जाओ वो करते जाओ, और वो तुम्हें मिलता भी नहीं है। क्या कहा मैंने, वो मिल भी नहीं सकता, उनको मिलने के लिए भी टाइम नहीं है। ऐसा गुरु तुम्हें पार नहीं कर सकता। ये बात सीना बसीना चलती है। वहां बैठे थे परम दयाल जी महाराज और हम दोनों बहुत ऊंची बातें करते थे। मैं सुनता था जवाब कभी नहीं देता था। तो मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी कहते, पिता बेटा जैसे तू मेरे पास बैठा है ना, हम सीना बसीना है। सीना बसीना मीन मेरा सीना आपके साथ है, आपका सीना मेरे साथ है। आपकी बात मेरे अंदर उतर रही है, मैं जो कह रहा हूं तुम्हें मिल रहा है। ऐसे संत मत है, ये नहीं कि टेलीफोन पर बात कर लो तो गुजारा हो जाएगा। कल परसों कल ही हमें परसों धूप निकली हुई तो इंग्लैंड से एक टेलीफोन आया मुझे, बड़ा लिखा, पहले तो लेटर लिखा उसने, पता नहीं कहाँ से नंबर लिया, फिर बताया जा मैं पूछा, कहती मैंने पूना से नंबर लिया आपके महाराज। अच्छा, मन की हालत लिखी, मुझे नहीं पता लगता मैं क्या कर रही हूँ, पांच नाम लिया हुआ है। मन में ऐसे होता है, ये होता है वो होता है। मैंने कहा मुझे कैसे टेलीफोन किया आपने बेटा, सारी कथा सुना दी, पति ने नाम लिया नहीं, बच्चा है, मैं क्या? हाँ, कहती हाँ बच्चा भी है हमारा। नौकरी करती हो? मैं करती थी, नौकरी छोड़ दी, भजन ज्यादा करती हूँ। क्या कहा मैंने, मैं क्या पुत्र तू मन में खेल रही हो, ये जो कुछ तूने बताया ये तेरे मन का खेल है, और मेरी बात सुन ध्यान से। मैं चाहता हूँ तेरा घर गृहस्थ अच्छा बने, तेरे घर में प्यार आ जाए, तेरे घर में सुख हो शांति हो। तू केवल अपने गुरु के दिए हुए नाम का स्मरण कर और गुरु का ध्यान कर, बाकी कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको कोई तकलीफ हो तो मैं बैठा हूँ, मैं सेवादार हूँ तुम लोगों का। बात समझ गए, ये जो भ्रम पड़ गया ना, हम ये कर लें ऊपर चढ़ जाएं ये चले, ये है बताया हालत। पहले मन को तो देखो, मन क्या करता है तुम्हारा, मन तो तुम्हें अंदर ही लेकर घूम रहा है, वहां कहां जाओगे पांच नाम स्मरण करने वालों। पहले तो तुम करते नहीं हो स्मरण, 30-30 साल हो गए नाम लिए हुए। मैं देखा ऐसे लोगों को, मिलते हैं मुझे, क्या पाया तुमने गुरु से जाकर, कभी गुरु के पास जाकर मिलते नहीं हो और वो मिल सकते भी नहीं हो तुम। तो मैं कहता हूँ ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जो तुम्हारी बात को नबज देखे, अच्छी तरह से स्टेथोस्कोप ला ले तुम्हारे अंदर क्या है, तब जाकर तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा।
ये कहता है कहां जाए पढ़ो यही लाइन। मैं अपने बल चढ़ूं न कभी, जब लगे मिले न गुरु बंदी छोड़ा। अब गुरु बंदी छोड़ा ढूंढो, जो खुद बंधन में है वो तुम्हारा क्या कल्याण करेगा। क्या कहा मैंने, जो खुद फंसा हुआ किसी चक्कर में वो तुम्हारा क्या कल्याण करेगा। इसलिए जब बाबा फकीर जी महाराज ने मंदिर छोड़ा तो जाते जाते मंदिर की ओर वापस नहीं देखा, उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। और फिर मास्टर मोहनलाल जी सुनाया कर, मास्टर डॉक्टर डॉक्टर ने प्रिंसिपल भारद्वाज साहब जी महाराज बताया करते थे कि उन्होंने कहा जब आशियाना छोड़ दिया मेरी तरफ से वहां कौआ बोले जा बू बोल ले। मैंने आशियाना छोड़ दिया, चाहे चाहे जहां उल्लू बोल ले चाहे जहां कां बोल ले। ये है संत होने की इच्छा, ये संत होने की एक निशानी। क्या कहा मैंने, क्या चल कहता बंदी छोड़ के पास चलते हैं दोनों, आ चलिए। फिर क्या हुआ आगे चलो। सुन कर सूरत अधिक हर खानी, चल जल्दी वह बंधन तोड़ा। सूरत खुश हुई, चल चलिए भैया, हम बहन भाई का रिश्ता है ना मन का सूरत का, चल चलिए भैया हम जल्दी चलते हैं, देर ना लगे, आगे पढ़ो। सतसंग शरण गही अब दोनों, भर भर पीवत अमी कटोरा। हम दोनों मिलकर सतसंग सुनेंगे, मन और सुरत जब इकट्ठा होकर हर बात को पकड़ता है। सत्संग में बैठकर तुम्हारा मन बाहर नहीं है, तुम्हारा मन और सुरत यहाँ एकाग्र हुआ हुआ है, तुम मेरी तरफ देख रहे हो, तुम्हारी दुनिया कोई नहीं नजर आ रही, तुम केवल सत्संग हाल में बैठे हो, सतगुरु के दरबार में बैठे हो, तुम्हारे मन में और कुछ नहीं है। जब तुम ऐसी हालत में बैठोगे तो सुरत तुम्हारे साथ है, मन भी तुम्हारे साथ है, तुम एक मन एक चित्त हो, और ये काम तब तक नहीं होगा जब एक मन और एक चित्त नहीं होगे। आगे सतसंग शरण गही अब दोनों, भर भर पीवत अमी कटोरा। हाँ सत्संग करेंगे और फिर अमृत का कटोरा भर भर पिएंगे। कौन सी वाणी का कटोरा, वाणी और नहीं, वाणी तुम्हारे अंदर उतर रही है, याद आएगी कि क्या सुना सत्संग में। इसलिए तो कहा गया है गुरु भक्ति क्या है, दर्शन करे वचन पुण्य सुने, सुन सुन कर नित मन में कुने, गुण गुण कर ले तिस सार, कर सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गुआ। ये है गुरु का सत्संग, तुम्हारा सब कुछ दूर हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, केवल तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, तुम भी निर्मल हो जाओगे, तुम्हारे अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और तुम्हें इसलिए रास्ता मिलेगा। आगे पढ़ो। दोनों मिलकर चढ़े गगन को, साध साध रस हुए चटोरा। फिर क्या होगा, हम जब दोनों मिलकर ऊपर को चलेंगे तो शब्द सुनने को मिलेगा। क्या कहा मैंने, वो मन का शब्द नहीं होगा, वो तुम्हारी शरीर की हरकत का शब्द नहीं होगा, वो धुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मटाई, वो ऊपर से बाणी आती है, वो तुम्हारे जे कान नहीं सुन सकते, वो तुम्हारे मन के कान भी नहीं सुन सकते, वो तुम्हारी आत्मा के कान भी नहीं सुन सकते, वो केवल सुरत का शब्द है। क्या कहा मैंने, केवल सुरत सुनती है। लोगों को कभी किसी को इधर का सांप सुनता है, कभी किसी को इधर का, और वो कहते हमें तो नाद सुनाई देता है, हर वक्त नाद सुनाई देता है। और मैं कहता हूँ नाद नहीं सुनाई देता, तुम्हारे अंदर खुश्की आ गई है, तुम्हारे दिमाग में खुश्की उतर गई है। बादाम खाया करो, लस्सी पिया करो, दही खाया करो, तुम्हारे दिमाग की खुश्की का ये शब्द है। चू चू की आवाज आ रही है,
घंटे की आवाज आ रही है, जब बादलों की गर्ज आ रही है, क्या ये तुम्हारे शरीर की प्रकृति है? कुछ भी नहीं है। वो शब्द तो बहुत ऊंचा है, वो सतगुरु की दया के बगैर नहीं आ सकता। वो जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई, दुर्मति जाती रही, गुरु की शक्ति मिल गई, तब होगा वो बात। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। दया करी राधा स्वामी उन पर, हीरा मोती लाल बटोरा। अब कहते हैं स्वामी जी महाराज, जब दोनों सत्संग में गए, उनकी वाणी सुनी, तो राधा स्वामी की दया हो गई और फिर उनको हीरे मोती अंदर ही मिलने लग गए। क्या मतलब इसका? बेशुमार शक्ति, बेशुमार धन, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो कौन होता है? संत। क्योंकि सब कुछ उसका हो जाता है, उसकी इच्छा कोई नहीं। जब इच्छा चली गई तो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। क्या कहा मैंने, जो इच्छा करते हैं वो मरने के बाद पछताते हैं, कुछ नहीं मेरा मुझ में, कुछ नहीं। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे शरीर पर भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा मन पर भी कंट्रोल नहीं है। कोई और चीज है अंदर तुम्हारे, उसको तो तुम पहचानते नहीं हो। जो तुम्हारे अंदर है, बाहर भागे हुए हो दर्शन करने के लिए, बस दर्शन कर लिए जी, खुश हो गया, आनंद हो गया, दर्शनों से बात नहीं बनेगी ना, वचन से बात बनेगी। वचन, गुरु का वचन, गुरुवाणी, गुरुओं का कहा हुआ वचन, उसको पकड़ो, उस पर चलो, तब तुम्हारा गुजारा होगा। आगे पढ़ो। राधा स्वामी है सी मौज दिखाई, मार लिया अब काल कठोरा। आगे चलो। अरे कहां तुमने लाइन ही अगली पर का पल दिया, देख लो, देख लो, अच्छी तरह दूसरा पेज उठा लिया, पट दिया नहीं, वही आखिरी लाइन तो आगे तो पढ़ो, क्या है? राधा स्वामी ऐसी मौज दिखाई। तो ये है कि तुम यहां रहना, मैं अपने धाम जाऊंगी, आखिरी शब्द तो ये है। मन रे मान बचन एक मेरा। अच्छा पढ़ो। मन रे मान बचन एक मेरा। यहां जब बात बनी ना, इससे पहले की बात, अब मन को सुरत कह रही है, ये चार लाइने आखिरी है ना। हाँ हाँ, चार लाइने आखिरी पढ़ो। मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। आगे। मन रे मान बचन एक मेरा। मैं इस पर बोल चुका हूं, आगे। तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेरा। मन रे मतलब क्या? शरीर मन और आत्मा पर तेरा ही असर है। आगे चल, आगे दूसरे सफे पर चल, इस सफे पर आ जा। अब तुम दया करो मेरे ऊपर, अब तुम दया करो मेरे ऊपर, सुन बिनती खोजो धुन नेरा। आगे। मन रे मान बचन एक मेरा। आगे। तुम तुसे तृप्त तुम दोनों चढ़े अधर में, जाकर करे पहाड़ सुमेरा। जाकर कही है कि तू मेरे साथ चल, हम ऊपर चलेंगे, सुनेर पर्वत पर पहुंचेंगे, तू मेरे साथ चल,
तूने बड़ा राज कर लिया, उसके जवाब में इस मन की भी बात आपको सुना दी, आगे पढ़ो। तुम आ रहे नाराज कमाना, तुम आ रहे ना राज कमाना, हम पहुंचे जहा राधा स्वामी डेरा। अब तुम मेरे साथ चलो, ये सुरत ने पहले उनको कहा तुम मेरे साथ चलो, तुम वहां रहना कहां सुमेर पर्वत पर, तुम वहां नहीं जा सकते, तुम भवन गुफा में रहना, वो सुमेर पर्वत है, और मैं राधा स्वामी धाम आगे चल जाऊंगी, ये कहा। और फिर जब मन माना कि हाँ चल गुरु के पास चलिए, वो अगली लाइन मैंने आपको सुनाई, आगे फाइनल कर दो। तुम वहां रहना राज कमाना, हम पहुंचे जहां राधा स्वामी डेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। खत्म हो गया ना? खत्म। तो वहां आखिर में क्या हुआ, मन ने फिर उसको कहा चल चले, सुरत कहती है अब हम गुरु के पास चलते हैं, वहां रास्ता मिलेगा, और फिर तू वहां ठहरना, मैं अपने धाम में चल जाऊं। वहां मन नहीं जाएगा, तुम जाओगे, वहां शरीर नहीं जाएगा, तुम नहीं जा सकते, मन नहीं जाएगा, शरीर भी नहीं जाएगा, मन भी नहीं जाएगा, आत्मा भी नहीं जाएगी, वहां केवल तुम्हारी सुरत जाएगी, और जहां सुरत वहां पहुंचेगी अपने घर, वहां उसको वो सुनेगा धन धुन, जिसको नाम कहते हैं, वो सुनाई देगी, वो जब सुनाई देगी तुम उसको प्राप्त करने के बाद फिर दुनिया में नहीं आओगे। ये नहीं कि गुरु का ध्यान करो तब ये करो तब ये करो, वो नहीं, बस गुरु के वचन पर चलो और आशा रखो। तुम लोग, तुम्हारे लिए कहता हूं, अब मैंने बड़ी ऊंची बातें कह दी हैं, तुम एक विश्वास रखो, किसी एक रूप पर विश्वास रखो, जगह जगह ठोकरे खाने की जरूरत नहीं है, एक जगह ठहर जाओ, एक रूप में ठहर जाओ, एक नाम में ठहर जाओ, उसका स्मरण करो, और जो तुम्हें नाम दिया उसका, जो गुरु ने नाम दिया उसका ध्यान करो, तुम्हें रूप बदलने की जरूरत नहीं है, तुम रूप जिसको भी मर्जी मानो, लेकिन उसको ये ना कहो कि वो देवी है, वो देवता है, वो व्यास रहता है, हुशियारपुर रहता है, जगह और रहता, कहीं नहीं रहता, वो सर्वव्यापक है, वो तुम्हारे अंग संग है, इसलिए कहा है गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु हमेशा अपने शिष्य के साथ रहता है, विश्वास करो तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी और तुम्हारा दिन भी बन जाएगा। मेरी इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार भरी राधा स्वामी शुभकामनाएं, तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहे, तुम्हारा मन चंचलता छोड़ दे, तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी हो, राधा स्वामी, राधा स्वामी।